हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 7, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 3। तो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है दो पार्ट्स पर। फर्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम, सेकंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स के बारे में, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। तो बच्चों, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं। तो फर्स्ट सिस्टम हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम हमने अपना कंप्लीट नहीं किया, हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था नर्व सेल्स के बारे में। तो बच्चों, एक बार हम पिछला दोहरा लेते हैं ताकि जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अभी तक हमने क्या किया है बच्चों? अभी तक हमने सिर्फ नर्व सेल के बारे में पढ़ा, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और बच्चों, हमने यह पढ़ा था कि जो नर्व सेल हैं वो मैसेज को क्या करते हैं, मैसेज को हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहते हैं, जो कहाँ से मिलती है हमें, रिसेप्टर से। अब आपको पता होना चाहिए कि रिसेप्टर सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वहाँ पर रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है वो प्रेजेंट होता है टंग में। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, जो स्मेल को डिटेक्ट करता है वो प्रेजेंट होता है नोज़ में। इसी तरह हमारे जो और भी रिसेप्टर, जैसे स्किन में जो रिसेप्टर है वो क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर, जो किसी ठंडे या गर्म चीज़ का हमें फील करवाता है। प्लस हमारे और शरीर के अंदर और भी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमारे शरीर में कितने सेंस ऑर्गन हैं, जहाँ जहाँ सेंस ऑर्गन है वहाँ पर ये रिसेप्टर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात की जाए हमारी आँखों की, तो आँखों में जो रिसेप्टर है तो वो क्या करेगा, वो हमें देखने में हेल्प करेगा। तो बच्चों, इस तरह से ये रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और हमें हेल्प करते हैं। तो ये रिसेप्टर काम क्या करते हैं, ये रिसेप्टर मैसेज को लेकर किसको देते हैं, वो ये रिसेप्टर मैसेज को लेकर नर्व सेल को देते हैं। और यह नर्व सेल या तो आप पढ़ोगे कि या तो नर्व सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी और एक दूसरे को मैसेज पहुंचाएगी। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो नर्व सेल है उसके बीच में हमेशा गैप होता है, एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में गैप होता है, जिसे हम साइनेप्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, अगर नर्व टू नर्व सेल जा रही है तो वह किस तरह की कैटेगरी में आती है, तो वह सेंसरी न्यूरॉन की कैटेगरी में आती है। एक होती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जब नर्व सेल किससे अटैच हो रही होती है, मसल से। मान लो ये ब्रेन है, ब्रेन हमने हमारी जो स्किन है उसने कुछ हॉट फील किया, कोई गर्म पानी का गिलास पकड़ लिया, तो जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज कहाँ पहुँचाएंगे, पहले ब्रेन तक पहुँचाएंगे। तो क्या होगा, जो मैसेज है वो कहाँ जाएगा, वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ब्रेन ने मैसेज किसको पहुंचाना है, मसल्स को, क्योंकि हाथ पीछे किसने खींचना है, मसल्स ने। तो ब्रेन न्यूरॉन्स के जरिए वो मैसेज कहाँ पहुंचाएगा, मसल्स तक पहुंचाएगा। और जो न्यूरॉन मसल्स के साथ कांटेक्ट करेगी तो उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इस तरह की नर्व्स को बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स। तो बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं, जो ब्रेन से न्यूरॉन मैसेज को लेकर मसल्स तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, जब न्यूरॉन मसल से अटैच होता है तो वहाँ जो सा जंक्शन होता है वो जंक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब न्यूरॉन, अगर हम बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के एक सेल बॉडी होती है, उसके ऊपर डेंड्राइट्स होती हैं जो कि एक्सटेंशन होती हैं किसी की सेल बॉडी की। तो ये डेंड्राइट्स बेसिकली क्या करती हैं, ये नर्व इंपल्स को लेती हैं, जिसे हम मैसेज की फॉर्म में कह सकते हैं। ये मैसेज आया कहाँ से, ये रिसेप्टर से आया, और ये मैसेज सेल बॉडी तक पहुँचा दिया जाता है। फिर वहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, एक्सोन, जो कि एक लंबी सी ट्यूब होती है, और एक्सोन की भी टर्मिनल एंडिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ साइनेप्टिक नोब, तो जिन्हें हम एंड नर्व एंडिंग या एंड प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। और हर नर्व एंड प्लेट के आपको लास्ट में क्या दिखाई देगा, सिनेप्टिक नोब, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। फिर दूसरा, अगर हम सेंसरी न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो फिर से दोबारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा हमारा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ प्रेजेंट होंगी डेंड्राइट्स। तो जो मैसेज है यहाँ तक आने के बाद क्या होगा,
यहाँ से आने के बाद जो आपकी साइनेप्टिक नोब है वहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं, चैनल्स मतलब गेट्स, ये मैसेज उन गेट से बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, और ये केमिकल फिर किसके अंदर जाएगा, डेंड्राइट्स के अंदर, क्योंकि डेंड्राइट्स के अंदर भी चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं। इस तरह से जो ये बीच में गैप होता है, इस गैप को हम सिनेप्सिस या सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं, और इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। तो ये बात हुई सेंसरी न्यूरॉन्स की, जो रिसेप्टर से, रिसेप्टर मतलब स्किन भी हो सकता है, आइज़ भी हो सकती हैं, रिसेप्टर से या सेंस ऑर्गन से मैसेज को सबसे पहले कहाँ लेकर जाते हैं, ब्रेन तक। अगर बात की जाए ब्रेन से मैसेज आया है पर्टिकुलर मसल्स तक, तो वो क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन। अभी ये जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है तो ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों आप समझ चुके हो अभी यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि सिनेप्टिक नोब किससे अटैच है, मसल से, ठीक है। ये एक्सोन आ रही है और ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग का बिल्कुल जो ग्लोबुलर पार्ट है लास्ट का जो, वो किससे अटैच है, वो मसल से, और इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर एक सिनेप्टिक नोब दिखाई हुई है और नीचे की तरफ क्या है, मस्कुलर जंक्शन। तो मसल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यह है क्या, किसका उदाहरण है, ये मोटर न्यूरॉन का उदाहरण है। तो बच्चों इस तरह से हम अपना जो न्यूरॉन है उसको कर चुके थे, अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों तो फर्स्ट हमारा जो थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया था हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। तो बच्चों यहाँ पर सीधा रिसेप्टर्स की बात की गई है। रिसेप्टर क्या होते हैं, जो सेल मैसेज को लेते हैं उन्हें रिसेप्टर कहते हैं, और वो मैसेज लेने वाले सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो सभी सेल हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया, पूछा गया है कि अगर आपको आपकी नाक बंद हो तो क्या आपको शुगर मीठी नहीं लगती, क्या आपको फूड टेस्टी नहीं लगता, तो इफ़ सो वाई माइट दिस बी हैपनिंग, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों जैसे हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, हमारी नाक बेशक बंद हो लेकिन मीठा हमें महसूस होता है, हम खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, तो हमें सब टेस्ट का अनुभव होता है, बेशक हमारी नाक बंद है, पर कैसे, क्योंकि हमारी टंग में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, गस्टेटरी रिसेप्टर, तो वो क्या करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो हमें स्वाद का अनुभव दे रहे हैं। रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस। तो बच्चों ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है कि हर सेंस ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर जो मैसेज को लेता है। डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड। तो बेशक कोल्ड बेशक हो गया हो लेकिन आपके रिसेप्टर तो काम कर रहे हैं ना, तो वो आपको जो भी आप खाओगे, अगर टंग की बात की जाए तो आपको टेस्ट ज़रूर फील होगा। तो ये रिसेप्टर आपके जो मैसेज हैं, जो आप भी फूड ले रहे हो या जो भी मैसेज उसको मिल रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा रहा है, ब्रेन तक। चाहे आपको कोल्ड क्यों ना हो रखी हो तो आप तक ये ब्रेन तक ये मैसेज जाएगा और आपको वही चीज़ टेस्ट आएगा जो आप खा रहे हो। तो बचाई होप यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह जो न्यूरॉन का टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज इतना ही, आप दोबारा से न्यूरॉन को पढ़ें, नर्वस सिस्टम को समझने की कोशिश करें, कल हम रिफ्लेक्स एक्शन से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।